आचार्य, हमारी आंखों के सामने आपके पाँव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पाँव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं? जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटो बिना सहल सबके। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम लेगा।